हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग ट्रिप कैलेंडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको चेरापूंजी के पूरे टूर प्लान के बारे में बताऊंगी और यहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है ये बताऊंगी, और साथ ही साथ ये सारी प्लेसेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने टोटल 4 डेज़ की आइटनरी बनाई है, जिसमें मैंने 1 डे मॉलिनोंग विलेज, जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, ये भी मैंने ऐड किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चेरापूंजी मेघालय स्टेट के ईस्ट खासी हिल्स में लोकेटेड है एंड इसको सोहरा के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है और यहाँ पे साल भर बारिश का मौसम रहता है, इसीलिए आप यहाँ पे स्पेक्टाकुलर वाटरफॉल्स देख सकते हैं। चेरापूंजी विजिट करने का बेस्ट टाइम है विंटर सीजन, यानी कि अक्टूबर टू फरवरी, ये टाइम यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है और साल भर यहाँ का वेदर प्लेजेंट रहता है। चेरापूंजी में पर्टिकुलर कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है। चेरापूंजी से नियर बाई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है। गुवाहाटी एयरपोर्ट चेरापूंजी से 167 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड गुवाहाटी रेलवे स्टेशन चेरापूंजी से 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। गुवाहाटी से आप बस, शेयर टैक्सी या कैब हायर करके आप चेरापूंजी पहुँच सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से शिलोंग जा सकते हैं एंड शिलोंग से फिर चेरापूंजी पहुँच सकते हैं। गुवाहाटी से शिलोंग का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। फिर आप शिलोंग से शेयर टैक्सी, बस या कैब हायर करके आप चेरापूंजी पहुँच सकते हैं। शिलोंग से चेरापूंजी का डिस्टेंस है 55 किलोमीटर। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, शिलोंग से टूरिस्ट बस चलती है जिसमें आपको टूर गाइड भी अवेलेबल रहता है, तो आप टूरिस्ट बस के थ्रू भी आप चेरापूंजी जा सकते हैं। आप चाहो तो शिलोंग में भी स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप अपना टूर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 4 डेज़ की आइटनरी बनाई है वो शिलोंग से स्टार्ट होती है। डे 1 में हम मॉर्निंग में शिलोंग से निकलेंगे मॉलिनोंग विलेज के लिए, जो 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड 2 आवर्स में हम मॉलिनोंग विलेज पहुँचेंगे। मॉलिनोंग एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है एंड ये ईस्ट खासी हिल्स में इंडिया एंड बांग्लादेश की बॉर्डर पे लोकेटेड है। यहाँ पे सबसे पहले हम विजिट करेंगे डावकी रिवर, जिसे उमगोट रिवर भी कहते हैं। डावकी रिवर नोन फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर एंड ग्रीनिश वाटर। ये रिवर इंडिया एंड बांग्लादेश की बॉर्डर पे है। इस रिवर की दोनों साइड ब्यूटीफुल हिल्स एंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी से घिरा हुआ है। इसके बाद हम विजिट करेंगे रिवाई सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ये एक नेचुरल रूट ब्रिज है जो रिवाई विलेज में लोकेटेड है। इसके आसपास स्मॉल वाटरफॉल्स भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिज तक पहुँचने के लिए बस 15 मिनट का ट्रैकिंग करना पड़ेगा। इसके बाद विजिट करेंगे मॉलिनोंग वाटरफॉल। मॉलिनोंग वाटरफॉल एक अनएक्सप्लोर्ड एंड सीक्रेट वाटरफॉल है। यहाँ बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। यहाँ आपको सिर्फ वाटरफॉल एंड बर्ड्स की ही आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ ओल्ड ब्रिज से आप काफ़ी ब्यूटीफुल फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ये सारे साइट सीन कम्प्लीट करने के बाद हम मॉलिनोंग विलेज से निकल के हम जाएंगे चेरापूंजी, और ये 76 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और चेरापूंजी पहुँचने में हमें 2 आवर्स लगेंगे। आप चाहो तो आप मॉलिनोंग विलेज में भी स्टे कर सकते हैं, बट हम नेक्स्ट जो 3 डेज़ है वो चेरापूंजी लोकल साइट सीन कवर करेंगे, तो हम पहुंचेंगे चेरापूंजी। डे 2 में हम चेरापूंजी के लोकल साइट सीन विजिट करेंगे। सबसे पहले हम विजिट करेंगे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। चेरापूंजी लिविंग रूट ब्रिज के लिए ही जाना जाता है, तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, और हम इसे विजिट करने के लिए हमें पूरा दिन लगेगा। ये पॉपुलर ब्रिज डेंस फॉरेस्ट में लोकेटेड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 से 3 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हमें यहाँ पूरा दिन लग जाएगा। इसका रास्ता टीना विलेज से शुरू होता है। इस ब्रिज की हाइट 2400 फीट है और अपर ब्रिज की हाइट 20 मीटर है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल है इसका नज़ारा। इसके नीचे से आप काफ़ी छोटे छोटे फॉल्स भी देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे रूट ब्रिज है और कई तो 100 साल से भी पुराने हैं। यहाँ आप मैन मेड सस्पेंशन ब्रिज भी विजिट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर जगह है। ये भी पासी में है।
इसके बाद हम विजिट करेंगे रेनबो वाटरफॉल। रेनबो वाटरफॉल एक सेरेनी वाटरफॉल है जो नोंगरियट विलेज में लोकेटेड है। ये विजिट करने के बाद हम रिटर्न में वापस 2 से 3 घंटे की ट्रैकिंग करके वापस आएंगे होटल में। ओवरनाइट स्टे हम चेरापूंजी में ही करेंगे। डे 3 में हम विजिट करेंगे मोसमाई केव। मेघालय का सबसे पॉपुलर हिस्टोरिकल केव है। इस केव के अंदर काफ़ी नैरो जगह है जहां से आपको बैंड होके जाना पड़ेगा, तो ये जगह काफ़ी सुंदर है। ये भी बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। नेक्स्ट हम विजिट करेंगे नो कालेकाई फॉल्स। नो कालेकाई फॉल चेरापूंजी का सबसे पॉपुलर प्लेस है एंड इसका नाम दुनिया के 4th सबसे ऊंचे वाटरफॉल में आता है। नो कालेकाई फॉल्स देखने में बेहद ही अट्रैक्टिव है एंड ये बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट हम विजिट करेंगे आरवा केव। आरवा केव बहुत ही बड़ी गुफा है एंड इसका एक छोटा सा पार्ट टूरिस्ट के लिए ओपन रखा गया है। आरवा केव में काफ़ी अंधेरा है तो एडवाइजेबल है कि आप अपने साथ एक टॉर्च भी लेके जाइए। ये टूरिस्ट के लिए नया है एंड ये लेस टूरिस्टी है, सो ये बेस्ट ऑफ बिग डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट हम विजिट करेंगे 7 सिस्टर वाटरफॉल्स। 7 सिस्टर वाटरफॉल्स मोसमाई विलेज में लोकेटेड है एंड ये स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल 1033 फीट की हाइट पे है। खासी हिल्स के लाइमस्टोन से निकलता हुआ ये वाटरफॉल रेनी सीजन में और भी खूबसूरत लगता है। ये फॉल 7 पार्ट्स में सेपरेट होता है। इसके बाद हम विजिट करेंगे देंथलिन फॉल्स। ये गॉर्जियस वाटरफॉल जो काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ये फॉल मानसून के दौरान काफ़ी स्टीम इकट्ठा करता है। डे 4 में हम पहले विजिट करेंगे इको पार्क। चेरापूंजी का सबसे पॉपुलर एंड न्यू टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ से आप नियर बाई वाटरफॉल्स के साथ ग्रीन वैली का लवली नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आसपास के नज़ारे बहुत ही स्टनिंग है एंड पार्क की दूसरी ओर से बांग्लादेश के मैदानी इलाकों का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम विजिट करेंगे वेसुडंग फॉल्स। वेसुडंग फॉल्स बाकी सारे फॉल्स से बिल्कुल अलग है और ये वाटरफॉल 3-स्टेप वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल देंथलिन फॉल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको नीचे की ओर 20 मिनट की ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा और यहाँ के रास्ते बाम्बू स्टेयर से बने हुए हैं और ये काफ़ी स्लिपरी और मड़ी भी है, तो यहाँ पे आप बाम्बू स्टिक भी ले सकते हैं। यहाँ से हम निकलेंगे वापस शिलोंग या गुवाहाटी की ओर, तो यहाँ पे हमारा टूर कंप्लीट होता है। डे 4 ऑप्शनल है। वैसे तो चेरापूंजी 3 डेज में कवर हो जाता है बट यहाँ पे मैंने 1 डे मॉलिनोंग विलेज ऐड किया था। तो मॉलिनोंग विलेज मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत ही सुंदर है और एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, तो आप मॉलिनोंग विलेज भी विजिट कर सकते हैं। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप फुल डे टैक्सी या कैब हायर कर लीजिए जिसमें आप पूरा दिन सारे साइट सीन कवर कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे आप टूरिस्ट बस से भी साइट सीन कवर कर सकते हैं बट ये इसमें आपके सारे साइट सीन कवर नहीं होंगे और आप अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि आप टैक्सी या कैब हायर कर लें। तो गाइस ये था चेरापूंजी का पूरा टूर प्लान। आप चाहो तो शिलोंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 डे एक्सटेंड कर लीजिए और शिलोंग भी आप विजिट कर सकते हैं जी। अगर आप नेचर लवर है तो चेरापूंजी तो जाना बनता है। तो गाइस ये सारी जगह ज़रूर विजिट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।